subscribe to our channel and press the bell icon for all notifications. फोन करते आप लोग हमें सुनवाई नहीं करते तो मैं आपसे आज मैं विनती करता हूं पहले आप लोग मैटर को सुन ले ये क्या तेज है उनके घर पे गए तो उनकी मम्मी डैडी ने एक रिक्वेस्ट करके बोला कि उनके बेटे ने उनकी बच्ची और उनके बेटे से घर का मैटर से सुसाइड नहीं किया वो डिप्रेशन में 70% था तो मीडिया से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आज एक अभिजीत सिंधे एक है और भी बहुत सारे हैं डांसर्स जो फेडरेशन आप बोल रहे ना सच में वो दादागिरी कर रही है हमारे साथ में क्या नहीं करी बताओ ना आज हम 1100 मेंबर रोड पे है खाली 3 लोग लड़ रहे हैं हमारे साथ में फेडरेशन में माई बाप है खाकी माई बाप है बताओ उनको हमारे नया यूनियन खड़ा कर दिया उन्होंने डांसर्स का कोरियोग्राफर्स का ये करके ये कुछ दादागिरी है क्या हमारे साथ में हम सेट पे जा रहे हैं तो बोल रहे कि सेट पे जाएंगे तो सब बंद होगा ये होगा कहाँ से दादागिरी है 1100 की इसको पड़ी नहीं है डांसर्स की ये कौन सा दादागिरी है बताओ आपको आज ऐसा एक हुआ इंसिडेंट हम लोग बहुत सारा आपको सुनाया है हमारे साथ डांसर्स क्या क्या होगा आगे के लिए ये देख लीजिए ये फेडरेशन के ट्रेजरर है और इन्होंने एक करेलाल यूनियन बना दी है डांसर की और ये नए मेंबर्स को बनाया है हाकिम माई बाप है हमारी दी गई नहीं ये गलत है जान से मारने की धमकी नहीं दी है मुझे गंगेश्वर ने अशोक दुबे ने और बी एन तिवारी ने ये बोला है कि आप शूटिंग कैसा करोगे आप शूटिंग कर नहीं सकते ये धमकी दी है इसलिए मैंने कंप्लेंट डाली हमने अभी ऊपर जो ये बाइट की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए उन्होंने ये बोला है कि आपने कंप्लेंट में ये लिखवाया है पुलिस में उनको बुला के ये बात कही गई है कि मास्टर जी ने ये कंप्लेंट डाली है तो उनको जान से मारने की धमकी दी नहीं आप कंप्लेंट देख लो उसके बाद बात करो ऐसे कंप्लेंट नहीं दी मैं और सर कुछ पेमेंट रुकने का चक्कर है वो तो मेरे पास शरद शेलार जो है प्रोड्यूसर भिखारी का शरद शेलार भिखारी का जो प्रोड्यूसर है उसका लेटर है मेरे पास कि वो प्रोड्यूसर है वो पेमेंट करेगा और इन लोगों ने बार बार आके मेरी दो बार शूटिंग रोकी 102 के नोट में अमित जी और ऋषि कपूर की तरह शूटिंग रोकी ऋतिक रोशन की तरह शूटिंग रोकी और मेरे सब प्रोड्यूसर को भेजा जबकि इनकी मेरी बात हो गई थी अशोक दुबे शरद शेलार की कि शरद शेलार पेमेंट करेगा जब शरद शेलार पेमेंट करेगा तो मुझे बार बार धमकी दे के रोक क्यों रहे जबकि मैं उसमें डायरेक्टर हूँ ये बात क्लियर हो चुकी है मेरे पास लेटर है मैं आपको लेटर दे सकता हूँ शरद शेलार का मेरे पास डांसरों का लेटर है सबका लेटर है कि मैं उसमें कुछ भी नहीं हूँ फिर भी अगर वो टेक्नीशियन ऐसा बोलते हैं कि पैसा वगैरह मेरे पास आए मिले शरद शेलार को मिले हम लोग बैठ के सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये कौन सी धमकी देनी हो कि आप कैसा शूटिंग करते हो देखते सिर्फ मैटर इतना ही कि मैं डांसर को सपोर्ट कर रहा हूँ ये सीनियर डांसर एसोसिएशन को सपोर्ट कर रहा हूँ इनके इलेक्शन में इनके जो अभी 15 तक वो चिंक के आए इनको हेल्प कर रहा हूँ तो वो डांसर को हेल्प करने के चक्कर में कर रहे हैं मैं भी एक डांसर हूँ इट इज़ उनका मेंबर मैं डांसर को सपोर्ट करूँगा आज इन लोगों ने डांसर्स के दो यूनियन कर दिए ये जो 70 साल से यूनियन बन रही है इसको छोड़ के एक 1.5 साल पहले इन्होंने किसी और 200 डांसर्स बना दिए जो अलग यूनियन के तो वो तो इन्होंने ब्रेक किया है लेकिन ये डांसर्स अपनी हक की लड़ाई अभी जैसे एक डांसर शमशाद यहाँ पे इसको जान से मारने की धमकी दी ये बताएगा आपको बता शमशाद आपसे सवाल है कि आप हाँ गोलमाल के सेट पे इन लोग आए थे गोलमाल के सेट पे इन्होंने शूटिंग रोकी थी उसके बाद मेरे को फेडरेशन ने बोला कि आप ये करो तो मैंने चलो जान दो ठीक है उस वक्त कुछ हुआ था मैंने सॉरी बोला लेकिन इस वक्त मैं सॉरी नहीं बोलने वाला किसी भी चीज़ में गलत हुई नहीं मैं जो लड़ रहा हूँ वो सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ हक के लिए लड़ रहा हूँ सर आपका नाम है निर्माता में नहीं नहीं ये मुझे नहीं मालूम आप सब जो भी भिखारी की बात करनी है ना चेक का ये वो सब शरद शेलार से करो शरद शेलार प्रोड्यूसर है मैं आपको लेटर दे दूं अभी उसका शरद शेलार का लेटर है मेरे पास वो प्रोड्यूसर है मैं डायरेक्टर हूँ अभी प्रोड्यूसर है डायरेक्टर पेमेंट भरेगा क्या उसमें निर्माता में आपका नाम नहीं निर्माता ये शरद शेलार ने उसमें डाला हुआ को प्रोड्यूसर लेकिन एग्रीमेंट में शरद शेलार प्रोड्यूसर है शरद शेलार पैसा देगा लिखा हुआ है एक 102 की शूटिंग 3 घंटा इन लोगों ने शूटिंग मेरी रोकी थी मैं इनको रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि मेरी शूटिंग मत रोको मुझे मजबूरन शूटिंग स्टार्ट करने के लिए चेक दिया और मैंने उसे बोल भी दिया था कि मैं चेक में पास नहीं करूंगा आपको जो करना है करो पिछले केस में इम्पा प्रेसिडेंट मिस्टर टीपी अग्रवाल भी आपके उसमें केस में आए थे तो आपने नहीं टीपी जी से बात हुई थी टीपी जी से मैंने बोला टीपी जी ये शूटिंग रोको देखो मैं प्रोड्यूसर का भी मेंबर मैंने बबलू जी से भी बात की मैंने मुकेश जी से भी बात की मैंने सबसे बात की कि ये मैटर चल रहा है बात करो उनसे बात हुई है वो मैटर का इसमें बात कर रहे हैं अभी फिलहाल जो है आपको कंप्लेंट के बारे में से बात करनी है कंप्लेंट के बारे में ये बता रहा हूँ कि मुझे गंगेश्वर और अशोक दुबे और बी एन तिवारी ने ये बोला कि आप शूटिंग कैसा करते हो यहाँ पे आप शूटिंग कर ही नहीं सकते ये मुझे धमकी दी लेकिन मास्टर जी एक एसोसिएशन होती है और एसोसिएशन के बाहर जाके कायदा कानून वो करना एसोसिएशन का इसका कोई मतलब है एसोसिएशन के बीच में ही हूँ मैं एसोसिएशन बीच में ही जाके कर रहा हूँ लेकिन मानने तैयार ही नहीं है आप आके शूटिंग पे रोकते हो आप आके शूटिंग पे बात करते हो आप आके आपको हक है शूटिंग रोकने का आपने 3 घंटा शूटिंग रोकी 102 पे मेरी आप बताओ कौन से एसोसिएशन है किधर है किसी कौन से कानून में लिखा है 3 घंटा शूटिंग रोक सकते हैं सर मेरे को आपने वेरी गुड बहुत अच्छा सवाल किया मैं आपने फेडरेशन से सवाल करना चाहता हूँ कि ये क्या है सर
ये नए नए नई स्टूडियो ओपन कर दी आप एसोसिएशन बोल रहे हैं फेडरेशन में एक मिनट सुनिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जब फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे जीत के आए ओके उन्होंने क्या किया गंगे सर को डिस्प्यूट चेयरमैन बनाया जो अलाइट के जनरल सेक्रेटरी है आज वो इधर ट्रेजर बन गए तो सर मैं बोलना चाहता हूँ ये हमारे साथ क्या हो रहा है ये दिख रहा है इसमें राम कदम जी का फोटो है गंगेश्वर का ये हमारे यूनियन खड़ा कर दी हमारे 1100 के पेट पे लात मार दी उन्होंने ये हमारा आईडी है ये 5-5 रुपये बना रहे हम लोग 3 लाख बनता है कार्ड का सर तो ये हमारे साथ जाती नहीं है दादागिरी नहीं हो रही क्या हो रही है हमारे साथ में हम सेट पे गए तो वहाँ फोन पे बोला जाता है कि इनका शूटिंग सब पैकअप करो इनको ये करो हमारे मेंबर यूज होगा पुलिस को बुलाओ ये बोलो ये कौन सा मेंबर खड़ा हो गया इनके ये कार्ड ये बना रहे ये लोग तो काय के हमारे माए बाप है काई के माई बाप है ये तो नया बिजनेस चालू किया इनका और वही चक्कर में हमारे एक डांसर सुसाइड कर लिया अभिजीत शिंदे ने क्योंकि अभी मैं भी शूटिंग कर रहा था 30 तारीख को कमलिस्तान में शूटिंग कर रहा था तो ये लोग आ गए थे वहाँ पर मुझे गाड़ी में बैठाया गया अशोक दुबे ने बात बात किए जो भी किए सब खत्म करने के बाद और अशोक दुबे से गाड़ी में बैठा के बात करने के बाद सब होने के बाद सब सॉर्ट आउट हो गया तो मैं बोला कि फेडरेशन में पेमेंट क्यों देगा जब मेरे डांसर्स काम करे तो यहीं पर देंगे ना उसके बाद मुझे बुलाया गया मुझे धमकी दिया गया कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ तू फेडरेशन के बोला हम फेडरेशन के अगेंस्ट नहीं है मैं मुझे बोल रहे कि तू कैसा काम करेगा मैं देखता हूँ मैं ये मेरे भी नहीं तुम लोग हम लोग के नहीं है ये वो तो मैं देखता हूँ तू कभी कैसा काम करेगा मुझे ऐसे कुछ दिखा रहे थे तो मैं डर गया तो मैं क्या करूँ बोला चलो भाई सिक्योर हम झगड़ने वाले में से नहीं है हम जाते हैं डायरेक्ट और हम लोग पुलिस में मैंने अपना कंप्लेन कर दिया जिसका पैसा बाकी है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार छोटी चीज बाकी है तो उसका रास्ता कैसे निकलेगा आए मेरे पास मैं अभी बोल रहा हूँ जितने यूनियनर मैं लास्ट टाइम लेकिन आप शूटिंग पे आके दादागिरी करके पैसा लोगे तो नहीं होगा क्यों मैं नहीं हूँ महबूब स्टूडियो में एक लेडी आई थी जो बहुत पुरानी आपके एक वो है एसोसिएशन की उसने यहाँ बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गई तो उनको बोला गया कि वीडियो बनाओ और 12,000 रुपया कुछ उनका पेमेंट था महबूब स्टूडियो की वो बात बता रहे थे जो बहुत पुराने आपके मेंबर आप जो भी है वो मेंबर को बुलाओ उनसे बात करो उसका उसका पैसा मिल गया एक मिनट उसका पैसा मिल गया उसका लेकिन वीडियो बनाओ उसका ये करो वो ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा उस, वो जो औरत है उसके 50 वॉइस रिकॉर्ड 50 वीडियो है जिसने इधर खिलाफ किया वो इधर की मेंबर है उसके खिलाफ उसने उन लोगों ने लिया वो क्या हाल है यूनियन सबका है 1100 यूनियन है अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप सबको एक तरफा देखो अगर 11,000 इनको दे रहे हो तो हम सबको दो इन्होंने क्या किया है कि जिसके वोटर्स है इन्होंने एक एक को 1.5-2 लाख रुपया बांटा है क्यों बांटा है भाई तो हमने ने क्या किया जो भी हम जीत के आए हमने सब पे नोटिस निकाला है कि जिसका पेमेंट बाकी है 60 लाख रुपया हमारा यूनियन का है आप क्या सब बांट सकते हो हमारे लॉ में तो लिखा ही नहीं कि अपने लोन बांट सकते हो आप तो बेढक लोन बांट रहे हो करके तो हमने उनको क्या बोला अगर आपको पैसा काटना है आपका आप लेटर लिख के दो कि ये शूटिंग मत काटे आगे से काटे बस ये लिख के लिए हमने और वो तो मास्टर जी ने अपने पास कैश दिया है और पेमेंट तो किसी और के पड़ा हुआ है करके तो क्यों किसको मिसगाइड करना और आज इतना आज बात करो देखो ताला मार दिया आपस वो कर रहे ये दादागिरी क्या है ये सीमेंट डाल क्या हो रहा है ये फेडरेशन लोग कौन है सीमेंट भी डाल दिया अंदर थैंक यू शॉर्ट ने सर तुमने और भी कुछ लिखा था ना ताले का शॉर्ट ले इधर विनोद है ना इसमें शूट कर लीजिए हम एक शॉट ले भाई इसमें सीमेंट है एक लेटर दिया था उन्होंने रिप्लाई रिप्लाई दिया पर जो वो एक्सेप्ट हेलो मिमल ने యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి